इंस्टाग्राम पर लोग लड़कियों से दोस्ती करके उनकी प्रोफाइल एडिट करके ब्लैकमेल करने का जो मामला था, बिहार कनेक्शन था इसका, नाबालिग निकला है, और क्या मामला था ये? हमारे जिले में पिंडरा थाने में दो और गौरेला में एक मामला इसमें सामने आया था कि जिसमें लड़कियों का इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसमें उनकी जो फोटोज डली हैं उनको फॉलो करके उनकी फोटोज को एडिट करके कुछ न्यूड फोटो वगैरह में उनके चेहरे डाल करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनसे अनैतिक कृत्य करने की मांग की जा रही थी या फोटो वीडियोस के तरह ब्लैकमेल करके कुछ और काम कराने की कोशिश की जा रही थी। इसकी रिपोर्ट जैसे ही हमको प्राप्त हुई तत्काल इसमें हमने FIR किया था। ऐसे चार मामले हमारे जिले में सामने आए थे जिसमें तीन मामलों में हमको सारे एविडेंस मिल जाने से एक आरोपी को हमने पटना में आइडेंटिफाई किया कि वहां से एक नाबालिग लड़का है जो इस टाइप के काम कर रहा है और ऐसे लोगों को फंसा रहा है, जिसको हमने अरेस्ट किया है और जुडिशियल रिमांड में भेजा है। साथ ही साथ ये भी मामला सामने आया कि ये जो लड़का है नाबालिग है किंतु बहुत से लोगों को दूसरे स्टेट्स में भी बहुत से लोगों को उसने अपने मोबाइल में इस प्रकार से ब्लैकमेल का काम कर रहा है और सबको क्राइम में वो इन्वॉल्व है इस टाइप के क्राइम्स में। साथ ही हमारे स्टेट में भी मुंगेली के में अपराध में भी इसकी एक संलिप्तता सामने आ रही है जिसमें भी उसके अरेस्टिंग के प्रिपरेशन हो रहा है अभी। तो इस टाइप के जो क्राइम्स हैं इंस्टाग्राम में फ्रीली जो आज यूज करते हैं हम, कि उसमें किसी भी प्रकार के हम प्राइवेसी सेटिंग नहीं कर रहे हैं, DP में अपनी फोटो डाल रहे हैं और अपने जो भी प्राइवेट फोटोज वगैरह हैं हम इजीली शेयर कर रहे हैं, तो जिससे कोई भी हमको फॉलो कर ले रहा है, कोई भी हमसे दोस्ती कर ले रहा है, चैटिंग कर रहा है और हमारी फोटोज को मिसयूज कर रहा है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है मेरे विचार से। जैसे हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं, हम चाहे हम फेसबुक यूज करें या व्हाट्सएप यूज करें, हमको एक तो कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने DP में अपनी फोटोज नहीं रखनी चाहिए क्योंकि DPs कोई भी देख सकता है, इसलिए हम उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखें, कोई भी अपनी फोटो स्वयं ना डालें। और जो अंदर भी हम फोटोज डाल रहे हैं तो ऐसे हम सेटिंग्स बहुत से इंस्टा में है, प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे तो प्राइवेट अकाउंट करने का एक सेटिंग आता है उसमें हम जा सकते हैं जिससे कोई भी हमको फॉलो करेगा तो हमारे पास जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वैसे इंस्टा में भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी और यदि हम उस व्यक्ति को जानते हैं तब भी हम उसको कंफर्म करेंगे तो वो हमको फॉलो कर सकेगा और हमारी फोटोज या स्टोरी जो भी हम डाल रहे हैं वो हमारे फॉलोवर्स ही हमको देख सकेंगे, कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकेगा। तो ये जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसको कृपया देख करके ही यूज करें और अपनी फोटोज इत्यादि इसमें ना शेयर करें, कम से कम इनका प्रयोग करें और सुरक्षित तरीके से उपयोग करें, ये बहुत आवश्यक है ताकि इस प्रकार की घटनाएं पुनः ना हो। यदि ये घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से हम टेक्निकली भी और ऐसे भी उसको प्रयास करते हैं विवेचना में, ऐसे आरोपियों की अरेस्टिंग करते हैं, जैसे तीन मामलों में हमारी अरेस्टिंग हुई है, एक में कुछ एविडेंस बचे हैं उसमें भी अरेस्टिंग की जाएगी। तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये तो सामने हमारे आए चार मामले हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे और भी बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ हो, चूंकि महिलाओं का मामला है, हो सकता है इस कारण कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी ना की हो, तो इसलिए ऐसे मामलों को हमको रोकने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे अपराधों से बचने की जरूरत है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये अपील गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की ओर से करना चाहूंगी कि DPs में अपनी फोटो शेयर ना करें और जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं उसके जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसका कृपया भली भांति प्रयोग करें ताकि आपके फोटोज को, आपके जो भी आपने स्टेटस डाला है या जो भी चीजें डाली हैं वो केवल आपको जानने व आप जिनको जानते हैं वही लोग देख सकें, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है केवल वही लोग देख सकें, कोई भी अन्य व्यक्ति ना देख सके, ये सेटिंग्स आप लोग जरूर करें।